हेलो फ्रेंड्स, आज हम होंडा का डीजल इंजन जो है उसका हम टॉर्क चेक करने वाले हैं कि उसका टॉर्क कैसा है। देखिए आप ये मेरा पैर देखेंगे जो कि एक्सलेटर से फटा हुआ है। मैं एक्सलेटर पैर नहीं रखूंगा, सिर्फ गियर चेंज करूंगा और चेक करते हैं इसका टॉर्क। ये मैंने लगाया पहला गियर और ये मैंने गाड़ी उठा ली। अभी मैं एक्सलेटर नहीं ले रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट 10 की स्पीड में जा रही है। अब मैंने इसका लगाया सेकंड गियर। सेकंड गियर लगाने के बाद ये गाड़ी की स्पीड गई 20 की स्पीड में। अब मैं इसको लगाता हूँ थर्ड गियर, जो कि थोड़ा सा झटका ले रही है लेकिन ये स्पीड बढ़ गई इसकी। और ये देखते हैं कहाँ तक जाती है, ये ऑलमोस्ट 30 तक चली गई है। और मैं लगाता हूँ इसका फोर्थ गियर। आरपीएम इस टाइम 700 के आसपास आरपीएम है इसके, और ये गाड़ी धीरे धीरे रीच कर रही है 40 के तरफ। और ये देखिए ऑलमोस्ट 40 पे पहुंच गई है। अब इसका लगाते हैं फिफ्थ गियर। ये देखिए ये लगाया मैंने फिफ्थ गियर, आरपीएम थोड़ा सा कम हुआ और स्पीड थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई, और ये ऑलमोस्ट 50 पे पहुंच रही है। और पहुंचते मैं लगा दूंगा इसका सिक्स्थ गियर। अभी तक आप देखिए एक्सलेटर पर मेरा पैर नहीं है और ये स्पीड बढ़ रही है। ये है डीजल इंजन का टॉर्क।